सांप। ओह शिट, मर गया यार। तुम बड़ी गंदी हरकत करते हो यार। ये विवेक जी बुढ़ापे में, ये देखो नया लड़का जाते हुए साइकिल लेके। लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा, वो या तो पतले टायर है ना इसलिए, तो ऑफ रोडिंग की वजह से रोड बाइक वो गंदी थी वाली इतनी एरिया। हाँ हाँ, चलो ओके, दूसरे रास्ते से चले। अब चढ़ के आएंगे वो। साइकिल गई क्या? नहीं नहीं, उसके पतले टायर है ना। चलो 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 चलो, पूरा कर, पूरा कर पहले। ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, उससे चला जाए वहाँ। तुझे पता है तेरा हाइब्रिड है ना, तो तुझे आराम से चलाने की जरूरत है। मैं मेरे ख्याल से पैदल चल रहा था वहाँ ना, बाद में उतरा। ये पैदल चलते हुए हुई है। और क्या? अरे चल ठीक है, जरूरी है, कोई नहीं कोई नहीं। कल को जरूरत पड़ गई तो साला, ये गोबर नहीं आना चाहिए। नहीं, मैं निकल चुका हूँ, तुम्हारे पास मूवमेंट चला गया। वो ये विवेक जी बुढ़ापे में, ये देखो नया लड़का जाते हुए साइकिल लेके। लग ही नहीं रहा है कुछ लोड है। ये भी नए लड़के ही मानो, इन्हें भी। विवेक जी हाथ हिलाते हैं लेकिन इनका बुढ़ापा झलक रहा है अभी। ये देखो नए लड़के एक हाथ से ले आ रहे हैं उठा उठा के। लौंडे हैं, लौंडे ऐसा अभी। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं पेरिफेरल वे पे। यही है पेरिफेरल वे, जिसका 1 जून से जिसको स्टार्ट करना है। मर गया। और देखिए सुबह सुबह हमें मिली एक डेड बॉडी। ओ शिट, दिस इज अ स्नेक। ये वो दो मुंह वाला सांप है, इसको दुमई बोलते हैं। यार ये बात तो सही है भाई, ये तो डेयरिंग वाला काम कर दिया उसने। अभी मरे हुए में तो क्या डेयरिंग, इसको रख दे, इसको इज्जत तो कुछ दे रहा है साइड में कर दे। यस, इसे अरे सांप को भी डालो तो इज्जत के साथ जो है उसको पार्थिव शरीर को इज्जत देना, इज्जत दी। हाँ, उसको ठिकाने में पहुंचा है, फेंक दिया गया। अब ज्यादा बोलोगे ना मैं उसको गाड़ भी दूंगा। नहीं, चल चला जा। चलो यार, इतना बहुत है, इतना बहुत है। तुमने इतना सम्मान दिखाया सांपों के लिए। जहाँ कहीं भी आप देखते हैं साइड में ऐसे लोहे से दीवार बनी हुई है। हाँ हाँ, तो एक्सेस कंट्रोल। ओके ओके, ओके, इससे नीचे वाले पे तो साइड में एक्सेस कंट्रोल नहीं होता। ये एग्जिट कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल। हाँ, तो चार सीधा नहीं आ सकता। ओके, विवेक जी को छोड़ के। तो अभी राजेश जी ने हमें बताया कि ये जो साइड वाली, ये जो मेटल की जो ये बॉर्डर लगा हुआ है, ये एक्सेस कंट्रोल होता है और ये केवल 6 लेन हाईवे पे ही लगाया जाता है। अभी तक इसका उद्घाटन हुआ नहीं है, हमारे मोदी जी जरा चुनावों में बिजी हैं तो इसका उद्घाटन नहीं कर पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि अगर 1 जून तक CM या PM को टाइम नहीं मिलता इसका उद्घाटन करने का, तो ये पब्लिक के लिए खोल दिया जाए 1 जून से ना। मुरादाबाद, गाजियाबाद, दादरी, पलवल। अभी हम जा रहे हैं इस पे डासना की तरफ।
पहली बार आ रहे हो? कर चुके ये पहले ही कर चुके हैं। दासना आने वाला है? दासना 2 किलोमीटर। दासना तक चलेंगे। हाँ सचिन सर, कैसे हैं आप? बस फर्स्ट क्लास, बहुत दिन बाद मिल रहे हो। आपके दुआएं हैं, आपके साथ हैं। ऐसे ब्लॉग्स आप बनाते रहिए, बहुत अच्छा लगता है आपके जो ब्लॉग्स। अच्छा, इसी पे जो आप बनाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे रिव्यू का नहीं तो ना, वो तो सरप्राइज था, रिव्यू तो आ जाएगा। ये देखिए विशाखा मैम ने, हम बता दें आप लोगों को, विशाखा मैम ने 10 किलो वेट कम किया है साइकिलिंग करते करते। ये आप देख सकते हैं इनकी डेडिकेशन। ये इंदिरापुरम से आई है, पैडल भी मारती है। हेलो सर, ये देखिए स्टंट मारते हुए। हेलो अंशु, क्या हाल? बढ़िया सर, आप सुनाए? बस सर बढ़िया, राइड है, रोड बढ़िया बन रहा है। अच्छा सही चल रहा है सर, काम वाम सही हो गया इस पे? हाँ बात हुई थी। अच्छा काम सब ठीक ठाक कर रहे, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मोदी जी आ क्यों नहीं रहे इसका उद्घाटन करने के लिए? अरे आएंगे, बात हुई थी मोदी जी से। अच्छा यार पहले कंप्लीट कर लो। अच्छा उसके बाद आता हूँ। कंप्लीट तो हो गया, और पहले अंशुल को बोलो अच्छा कैमरा वैमरा ले ले मेरी शूटिंग करने के लिए, उसके बाद मैं आता हूँ। अरे सर गरीब, फोटोग्राफी तो अंशुल ही करेगा, गरीब यूट्यूबर है भाई। देख के तो लोगों ने तो कर रखा है इसका इनॉग्रेशन। तो दोस्तों हम पहले नहीं हैं इस पे आने वाले, इस पे लोग बहुत टाइम से चल रहे हैं, कह सकते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस बना रहे हैं, कह सकते हैं सदियों से चल रहे हैं, और यहाँ पर फास्ट एंड फ्यूरियस बना रहे हैं। फास्ट एंड द फ्यूरियस 9, क्या लिखा भाई यहाँ पे? यह अभी सार्वजनिक मार्ग नहीं है, इससे आवागमन निषिद्ध है। बट इंडिया में रूल्स आर मेड टू बी ब्रोकन, एज यू नो वेरी वेल। ओनली आफ्टर डेट वी कॉल इंडियंस। ये कहाँ लग जाएगी? इधर तो गुड़गांव पर जा रहा है ना? हाँ गुड़गांव पलवल। हाँ हाँ और ये इधर किधर? ये कंप्लीट मिल जाएगा, ये पूरा सर्कल है। कहाँ से काफी? ये आपका जाके इधर ना जेवर वगैरह की साइड से होके, हाँ यमुना एक्सप्रेस वे को क्रॉस करता हुआ, हाँ और फिर इधर फरीदाबाद इधर फरीदाबाद से जुड़ेगा। हाँ इधर जाके ना कंप्लीट ये सर्कल है पूरा एनसीआर का। अच्छा हाँ, मतलब आप दिल्ली भी जा सकते हैं इससे? हाँ मतलब आउटर है, रिंग रोड बन रहा है, रिंग रोड कह सकते हो उसको, आउटर सर्कल बड़ा वाला। ये क्या होता था ना कि पहले जितने भी ट्रक वगैरह सब दिल्ली के अंदर एंटर करते थे ना एनसीआर में, वहाँ का ट्रैफिक डिस्टर्ब करते थे, उसको डाइवर्ट करने के लिए बार बार बनाया है। मान लो किसी को हरिद्वार से राजस्थान वहाँ जाना है, हाँ हाँ हाँ। हरियाणा जाना है, दिल्ली में नहीं आना पड़ेगा, सीधा सीधा बार बार से निकल जाए। अब हम रुके हैं आगे NH-24 के एग्जैक्ट ऊपर। ये जो आप देख रहे हैं वापस NH-24, चलो अब जिस गढ़गंगा की तरफ। ये मेरी मत लेना, पेट तक तो था ही नहीं यार। तुम बड़ी गंदी हरकत करते हो यार, फोटो डाल के बदनाम कर दिया। अभी तो कुछ किया ही नहीं मैंने, अभी तो कुछ किया ही नहीं। अरे इतना तो सुंदर दिख रहा है। मेरे बारे में कुछ नया बताओ, हर कोई बोलता है। देखो, इसे कहते हैं उम्र का तकाजा। सबसे पहले मैंने ही फोड़ा था, याद करो इस उम्र में फुस होती है चीजें। और क्या फोड़ा था? नीलम क्या फोड़ा था? इस उम्र में मैक्सिमम चीजें फुस हो जाती हैं। ऊपर क्या फोड़ा था इन्होंने? अरे वो सही था, और सीधा उनके मुंह पे। अब जा रहे हैं वापस स्टोर की तरफ, और आज हम जाएंगे कैफे 17। फाइनली लाइट खत्म करके हम लोग आ गए हैं, अभी हम जा रहे हैं कैफे से।
तीन लोग और आ गए। हाय अंशुल, ये अर्पित जी है, इन्हीं का है ये कैफे 17 आरडीसी में। राइड ओवर, नाउ बैक टू होम। कमेंट कीजिए और बताइए कि कैसी लगी आपको ये मेरी राइड, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय।